अनम्यूट बाद में करना

कृष्णाय कृष्ण भक्ताय हर भक्ताय नमो नमः हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है गुरु वैष्णव की दया से हम लोग चैतन्य शिक्षा का चर्चा चल रही है ीतु तर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम् अम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तन की परम हो जो जीव को सात फल देने वाला है जिसमें चेतो दर्पण मार्जनम रूपी दर्पण को मार्जित कर देता है दूसरा भव महादावाग्नि निर्वापनम इस संसार के आवागमन को समाप्त कर देता है जो अग्नि के सदृश है महादावानंद के सदृश है श्रेय कल्याण के कुमुदनियों को खिला देता है और विद्यारूपी बहु का ये जीवन है इसमें विद्यारूपी वधु का जीवन की चर्चा चल रही थी जिसमें कि हम सब जीवों के जीवन में ये विद्या भी प्रदान करने वाला है कैसी विद्या बहुरूपी विद्या अहंकार वाली विद्या नहीं शील गुण वाली विद्या कोमलता वाली विद्या मृदुता वाली विद्या विनम्रता वाली विद्या शुक्राचार्य और रावण वाली विद्या नहीं पात्रता देने वाली विद्या विद्या धराती विनयम विनयात याति पात्रता पात्रत्वा धनम आपनोती धन देने वाली विद्या <laughs> कैसी विचित्र बात है? संसार में सब धन के पीछे भागते बोलते हैं इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा वकालत नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा साइंटिस्ट नहीं बनेंगे तो पैसा कहा ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर के व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है लेकिन हम नहीं जानते कि ये जो विद्या है ये शाश्वत विद्या है ये ऐसा धन देती है बोली ये धन खर्च ही नहीं होता उल्टा बढ़ता चला जाता है समझ नहीं होने के कारण हम लोग नहीं समझ पाते अमरीश महाराज इस भौतिक संसार में थे और अमरीश महाराज के इस भौतिक संसार में रहते हुए ऐसा धन था ऐसा धन था कि वो खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता था उल्टा भरता चला जाता था देवता लोग ईर्षा करते थे ये देख करके के इनके पास कैसा धन है जो कुबेर आदि के पास भी नहीं है जो खजांची हैं देवताओं के लेकिन ये विद्या से धन भी आता है और धन लगता ही है धार्मिक कार्य को करने के लिए जैसे जी थे क्या उनके पास धन नहीं आया उनके पास वैसी विद्या थी आध्यात्मिक विद्या थी और खत्म नहीं होता था उल्टा ये धन ऐसा होता है कि इसको आज भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसी ने हमें किसी आध्यात्मिक कार्य के लिए अगर धन दिया हो और उस धन को अगर हम लगा दें खर्च कर दें तो खर्च करते ही और धन आ जाता है और खर्च नहीं करेंगे तो मतलब विद्या नहीं आई तो फिर वो धन चला जाता है बिना खर्च किए ही चला जाता है और और धन भी आता नहीं फिर आदमी का विश्वास उठ जाता है इस भक्ति मार्ग से इसलिए भक्ति मार्ग में अगर पैसा आए और उसे अगर कोई व्यक्ति खर्च कर देना अपने पास चिंता ग्रसित हो करके नाच कहाँ से आएगा फिर से कोई देगा कि नहीं देगा अभी तो इस व्यक्ति ने डोनेशन दे दिया आगे चल करके कौन देगा अरे सब कुछ जिस व्यक्ति ने दिया वो भी तो भगवान ही है उसकी सत्ता भगवान के बिना कैसे एग्जिस्ट कर सकती है इसलिए जिस व्यक्ति को भगवान ने निमित्त बनाया वो भगवान की शक्तियां हैं बहिरंग शक्ति है जो प्रकृति के माध्यम से भगवान शोधन दे सकते हैं अंतरंग शक्ति है जिसमें राधा रानी के माध्यम से भगवान धन दे सकते हैं तटस्था शक्ति है जिसमें किसी व्यक्ति को निमित्त बना सकते हैं जैसे प्रभु है। के लिए कुछ चाहिए तो बोले मेरे को बताने का बोले मैं व्यवस्था कर दूंगा तो उनका ऐसा प्रेम है तो तटस्थता तटस्था शक्ति है भगवान की जिन्होंने हाँ उनको प्रेरणा दे, दे, दे देते हैं और उसकी वजह से मेरे सारे काम पूरे हो जाते कई बार <laughs> हालांकि मेरे को भी दो करोड़ रुपए की आवश्यकता है ज्यादा नहीं मात्र दो करोड़ रुपए की आवश्यकता है तो हो सकता है शक्ति के रूप में उत्तम मेरे को बताया तो करो लेकिन मैं बताया नहीं अभी तक आज बताया मैंने ये बात अपने मुंह से खैर धनात धर्मात धना सुखम जब वो धन धर्म में लग जाता है व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है लेकिन तभी संभव होगा जब जीवन में ऐसी विद्या आएगी और ऐसी विद्या इतना सहज नहीं है ऐसी विद्या भगवान ने तो दे दी जैसे रामायण में वर्णन है जीव चराचर, जंतु समान भीतर बस न जा गूलर होता है ना गूलर का पेड़ जिसपे गूलर के फल लगते हैं तो उसको अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं छोटे छोटे मच्छर जैसे तो इस ब्रह्मांड रूपी गूलर में हम सभी ऐसे ही कीड़े हैं जो एक छोटे जंतु की तरह हैं कौन से जीव बोले चर भी और अचर भी दो प्रकार के जीव होते जो चल फिर नहीं सकते और जो चल फिर सकते हैं तो जो चल फिर नहीं सकते वो अचर पेड़ पौधे जैसे और जो चल फिर सकते हैं हम जीव जैसे तो बोले हम भी जंतु के जैसे ही हैं हमारे अंदर को बहुत ज्यादा ताकत नहीं है कि इस ब्रह्मांड से ब्रह्मांड रूपी गुलर से बाहर निकल के भगवत धाम की प्राप्ति कर ले इतना सहज नहीं है हमारी कोई ताकत नहीं है इस गूलर को भेद सके भीतर बसे नहीं आना इसी गूलर के अंतर्गत हम पैदा होते हैं आगे बढ़ जाते हैं पैदा बच्चों को भी कर लेते हैं बूढ़े हो जाते हैं और आखिर में मर जाते हैं इसी में पैदा होते हैं इसी में मर जाते हैं फिर इसी में पैदा होते हैं इस प्रकार से अनंत काल से हमारा ये चक्र चलता चला जा रहा है और इसमें भी इतने अंदर घुसे रहते हैं इतने अंदर घुस जाते हैं अहंकार से जबकि जीवों की दशा गुलर के अंतर्गत की स्थिति बताई जा रही है फिर भी अंदर इसने मेरे को ऐसा बोला तेरे को पता इसने क्या क्या बोला तेरे बारे में अच्छा मेरे को ऐसा बोला मैं देख लूंगा इसको अरे क्या देख लेगा तुम खुद ही देख नहीं पा रहे अपने आप को किसी और को क्या देख लेंगे हमारी खुद की दयनीय दशा कैसी है लेकिन कितना टेंस हो जाते हैं कितना चिंता है आकर के घेर लेती है हमको इसको दिखा दूंगा उसको दिखा दूंगा इसने मेरे को कैसे कैसे बोल दिया तो या एक दूसरे की टांग खींचने में अगर कोई सफल हो जाता है या असफल हो जाता छोटे छोटे मुद्दे कितने हमारे लिए हैवी हो जाते हैं क्लास के समय में मैं भी आपको बोल दे रहा हूँ लेकिन वैष्णव सेवा प्रभु जानते हैं कि मैं भी छोटे मुद्दों को लेकर के कितना अपने आप में टेंस हो जाता हूँ इसलिए भाषण देना अलग बात है लेकिन ये विद्या हृदय में आ जाना अलग बात है उसके लिए कृष्ण कीर्तन ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है इसलिए ये विद्या के रूप में हम सभी को भगवान ने कृपा करके आध्यात्मिक विद्या दी है अगर भगवान नहीं देते वो विद्या तो हम इस संसार से बाहर नहीं निकल सकते थे भगवान ने वो विद्या दी है गीता के रूप में दी है भागवत के रूप में दी है हरि नाम के रूप में दी है क्योंकि भगवान के गुण रूप लीला लीलाएं तो है भागवत के अंतर्गत कृष्ण कीर्तन ही तो है भागवत और क्या है भगवत गीता भी क्या है भगवान तो भाग, भाग, की वाणी है तो भगवान की वाणी में भगवान में कोई अंतर थोड़ी है उसको गाया जाए तो कृष्ण ही है ये सभी भगवान ने हमें दिया ये विद्या जिस विद्या को फाकर के हम चाहें तो बाहर निकल सकते हैं लेकिन प्राय प्राय मतलब नाइंटी एट नहीं नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट प्राय प्राय मतलब तकरीबन पूरा पूरा नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट इस विद्या को पढ़ने के बाद मेरे जैसे लोग क्या करते हैं बोले उस विद्या से अहम की ही उत्पत्ति हो जाती है और क्या सोचते हैं मैं दिग्विजयी कब बनूंगा दिग माने दिशाएं सब दिशाओं में, में मेरा डंका कब पिटेगा कब संसार के लोग मुझे पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे बोले न गुरु न चेला कृपालू अकेला <laughs> अर्थात मेरा ही अपना एक एम्पावर्ड पर्सनैलिटी हूँ जैसे मैं लोग मेरे कितने फॉलोअर बनेंगे कब फॉलोअर बनेंगे मिलियंस में फिर बिलियंस में फिर ट्रिलियंस में कब बनेंगे <laughs> ऐसे कंपटीशन लगा रहता है।, और सोचता है कि बस इस विद्या का यही उपयोग है प्रतिष्ठा पाना यशमान प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज इस बात को समझाते हैं जो आचार्य हैं वो इस रहस्य को जानते हैं और हमारे आचार्य तो ऐसे ऐसे हुए इस संकीर्तन को करने वाले कि वो लोगों से दूर ही भागते रहे टॉयलेट में जाकर के भजन कर रहे कि कोई लोग मेरे को नहीं ले ऐसी विद्या उनके जीवन में आई और ऐसा नहीं कि उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया सारे संसार को टॉयलेट में भजन करके भी सारे संसार को लाभ पहुंचा दिया एक जगह बैठे बैठे लाभ सबको मिल जाता है कोई इस विद्या से वास्तव में युक्त तो हो जाए विद्या इतनी सरल नहीं है अहंकार से हम बचा हम तो दिग्विजय ऐसा ही एक दिग्विजयी था पद्मनाभ काफी पहले की बात है जैसे क्रिकेट मैच होता है ना और कितनी भीड़ लग जाती है उस क्रिकेट मैच को देखने के लिए आज से सैकड़ों साल पहले शास्त्रार्थ हुआ करते थे आजकल तो लोग खेलों को ही बहुत ज्यादा महत्व देते लोग पागल हो जाते हैं लोगों की रुचि उस दिशा में चली गई शास्त्र को लेकर के लोगों की रुचि नहीं पहले शास्त्रार्थ होते थे आपस में बहसबाजी होती थी कि इसने ये प्रमाण दिया इसने इसके प्रश्न को उत्तर दिया इसने इसके प्रश्न को उत्तर दिया तो आखिर में कौन जीता उसके आधार पर लोगों की लाखों में भीड़ हो जाती थी जैसे आजकल क्रिकेट के लिए करोड़ों में भीड़ हो जाती है ऐसे पूर्व में भी हो जाती थी उसमें चैंपियन बनते थे लोग आजकल उसमें चैंपियन बनने की रेस तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो इसमें रेस आज भी बनी हुई है हम सभी यूट्यूब में फॉलोअर देखना चाहते हैं या जूम के अंदर नंबर ऑफ काउंट देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमें सुन पा रहे हैं बढ़े ये नंबर ऑफ काउंट बढ़ने चाहिए जैसे तैसे करके जिससे लोगों को दिखा सके इसको दिखाना है तो वहां पर पद्मनाभ गोस्वामी के बहुत सारे शिष्य थे हजारों शिष्य थे और वो दिग्विजयी बन गया सारे भारतवर्ष को उसने जीत लिया जहां जाता सब लोग संस्कृत के उसके जो शिष्य थे ना संस्कृत के प्रकांड विद्वान चेले लोग प्रकांड विद्वान बात भी करते तो आपस में में संस्कृत करते लेकिन उस समय विद्वानों का जो गढ़ था वो काशी हुआ करता था वो अंत में काशी में पहुंचा किसी ने बोल दिया उसको अरे तूने काशी थोड़ी जीती अभी फालतू में तुम पूरे भारत में ऐसे विद्वान बन करके घूम रहा पहले काशी तो जीत के दिखाओ वो काशी में जब उसने अपना सारा मोड दिया काश, काशी के विद्वान ब्राह्मणों की हालत खराब हो गई ओ हो पद्मनाभ गोस्वामी आ रहा है पद्मनाभ दिग्विजय आ रहा है उसको देख करके काशी के ब्राह्मणों की हालत खराब अभी तक तो हमारा ऐसे ही डंका बज रहा था कि हम काशी के विद्वान हैं अब इसका सामना करना पड़ेगा काशी में जब वो आ गया तो उसके चेले लोग सारी काशी में घूम रहे थे अलग अलग सामान की जरूरत की आपूर्ति करने के लिए तो किसी मटके वाले से मटका खरीद रहे थे तो मटके वाले से खरीदने समय वो मटके वाले से संस्कृत में बात कर रहे थे किसी से आटा खरीद रहे तो आटे खरीदने के लिए संस्कृत में बात कर रहे हैं तो ब्राह्मणों की और हालत खराब होगी बोले इनके चेले ही आपस में संस्कृत में बात कर रहे हैं मार्केट में भी संस्कृत में बातचीत की जा रही है कुछ सामान खरीदने के लिए तो इनका जो गुरु है वो कितना बड़ा विद्वान हो तो सब घबरा गए जितने भी विद्वान ब्राह्मण थे और घबरा करके आखिर में उन्होंने सोचा कि भाई नाक खट जाएगी अगर हम लोग हार गए तो दूसरे दिन उसने अनाउंस कर दिया था कि काशी का कोई भी विद्वान हो वो मेरे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तो काशी के ब्राह्मण लोग क्या किए विश्वनाथ भगवान विराजते हैं काशी के अंतर्गत शंकर भगवान की शरण में जाकर के सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे रोने लगे महाराज काशी की नाक खट जाएगी अब आपके हाथ में है लाज बचाना हर व्यक्ति आखिर में कई बार जब कहीं दाल नहीं गलती तो भगवान की शरण में चला जाता तो शंकर भगवान की शरण में चले गए शंकर भगवान ने और में निर्णय किए ही थे जैसे तुलसीदास आदि का रामायण वगैरह चर्चा में की थी वो तो शंकर भगवान की शरण में चले गए अब रात को बड़ी मुश्किल से उन लोगों को नींद आई थोड़ी देर के लिए रात काटना मुश्किल हो गया जब रात को नींद आई तो शंकर भगवान सपने में आए देखो भगवान और भगवान के भक्त सपने में आते हैं तो ये सच होते हैं तो शंकर भगवान सपने में आए और शंकर सपने में आकर के कहते तुम्हारी बस की बात नहीं है दिग्विजय पद्मनाभ आपका सामना करना। और लोग परेशान हो गए लेकिन एक उपाय मैं बताता हूँ आप लोग अगर कर सको तो उसको कर लेना बोले बताइए महाराज क्या उपाय किया जाए बोले आप लोग कबीरदास के पास चले जाओ कबीरदास जी उस समय वहीं रहते थे बड़े अच्छे भक्त थे बोले अगर वो शास्त्रार्थ करें तो दिग्विजय पराजित हो जाएगा और तुम लोगों की नाक बच जाएगी ऐसा तो शंकर भगवान ने सभी ब्राह्मणों को प्राय ये सपना दिया और वो दास जी से चिढ़ते थे क्योंकि दास जी को पढ़े लिखे ब्राह्मण तो थे नहीं ब्राह्मण भी नहीं थे तो दास जी की लेकिन महिमा मार्केट में बहुत लॉन्च हो रही थी प्रकार से तो वो सोचते थे हम ब्राह्मण होकर के शास्त्रों के ज्ञाता होकर के भी लोग हमारे बारे में इतना सम्मान नहीं करते लेकिन ये केवल कीर्तन करता रहता है और मन से कीर्तन करता है दास जी का एक श्लोक है ना कि कर का मन का छोड़ के मन का मन का फिर कर का मन का मतलब इस हाथ का मन का बोले केवल हाथ के मन के सिर्फ सिर्फ आ, कर माने हाथ कहते हैं, कर का मन का छोड़ के मन का मन का फिर बोले मन में भगवान का भजन करने की चेष्टा करो मन हमारा लगना चाहिए हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि हाँ केवल हाथ से हम जब करना छोड़ दें कई बार लोग इस रहस्य को नहीं समझते कबीरदास जी ऐसे संत हुए हैं कि उन्होंने साधुओं को ही टारगेट किया है कहत कबीर सुनो भाई साधु बोले अगर समाज के साधु लोग सुधर गए जैसे साधु वेश मैंने धारण किया है अगर मैं साधु बोले साधु तुम तो सुधर जाओ कोई और सुधरे ना सुधरे <laughs> कहत कबीर सुनो भाई साधु बोले साधु भी सुधर गए तो समाज का अपने आप भी उद्धार हो जाएगा ये सबसे बड़ी बात है और ये बात तब रियलाइज होती है जब कोई व्यक्ति किसी सेंटर को चलाने के लिए किसी लीडर को नियुक्त करता है और जब लीडर को नियुक्त करता है लीडर नहीं सुधरता ना तब उसे समझ में आती है घूम फिर के बाद उस लीडर के कारण नहीं आती है कि भाई ये मंगल आरती नहीं उठता तो इसकी वजह से कोई नहीं उठता ये जप नहीं करता ठीक से तो इसकी वजह से कोई व्यक्ति जप नहीं करता व्यक्ति ठीक से कीर्तन नहीं करता तो इसकी वजह से कोई कीर्तन में भाग नहीं लेता ये व्यक्ति सेवा नहीं करता तो कोई सेवा नहीं करता और ये सच है मान लो अगर मैं वैष्णव सेवा प्रभु को लीडर बना दू देहरादून में और वैष्णव सेवा प्रभु के बारे में जब मेरे को रिपोर्ट आए कि ये सुबह मंगल आरती नहीं उठते तो घुमा फिरा करके मेरे को दुख आखिर में यही लगेगा की अत्यत आचरती श्रेष्ठ गीता का आचरण है कि जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे नीचे वाले आचरण करते हैं तो घुमा फिरा करके सोई वैष्णव सेवा प्रभु के ऊपर ही आ जाएगी और फिर मेरे को दुख लगेगा फिर मैं सोचू ये तो वैष्णव सेवा प्रभु बन गए अभी इनको कैसे सुधारो मेरे को अंदर से डर लगेगा साइंटिस्ट भी है ऊपर से दीक्षित भी है और अगर इन्होंने भगवे कपड़े पहन लिए तब तो मेरे को कितना डर लगेगा इनको बोलने में कि मैं इनको कैसे बोलूं कि भैया आप मंगल आरती नहीं आते इतना कठिन हो जाएगा मेरे लिए बोलना और ऊपर से अगर मैं खुद भी नहीं करूंगा तो मेरे लिए बोलना कितना कठिन हो जाएगा दूसरे व्यक्ति को इसलिए बहुत बिरले लोग हैं जो इस तरह से बोल सकते हैं तो वो इस चीज को रियलाइज करते थे बोले सबसे बड़ी समस्या तो साधु लोग हैं और ये सच बात है हमारे आचार्यों ने इसी बात को गंभीरता से लिया बोले समाज में अन्य धर्म के लोग इतनी वृद्धि कर गए अन्य धर्मों का इतना प्रभाव फैल गया और हमारे धर्म को खतरे की जैसी आ गई बाकी धर्मों के कितने कितने देश हैं और हमारे धर्म का एकमात्र देश है जो इतना बड़ा सनातन धर्म का देश बोले इसका कारण क्या बोले उन लोगों ने प्रचार किया ये कारण है बोले नहीं हमने प्रचार नहीं किया ये कारण है नहीं। हमारे भा... के अंतर्गत वाले जो साधु हैं वो लोग आलसी रहे इस कारण से बाकी लोगों को सर उठाने का समय मिला मिला मौका अगर हम अपने आप में प्रसार होते तो बाकी किसी को सर उठाने का मौका नहीं मिलता आचार्य लोग अपने आप को कारण मानते हैं कि हमने प्रचार नहीं किया और ये सच बात है इसलिए कबीरदास साधुओं को कहते थे साधुओं को क्यों कहते थे ऐसा बोले साधु लोग तो करका मन का फेरते रहते हैं ना और मन लड्डू पेड़ा में घूमता रहता है इसलिए उन्होंने ये बात कही शुरुआत करका मन का से ही होती है कोई व्यक्ति मन का मन का एकदम से नहीं फेर सकता इसलिए उनके उपदेश साधुओं के लिए होते थे बोले साधु सुधर जाएं तो सब सुधर जाएंगे तो बोले करका मन का फेरने से काम नहीं चलेगा या संसारी दृष्टि से विद्वान बन जाने से काम नहीं चलेगा उसके सिद्धांतों को स्वीकार करना पड़ेगा क्या सिद्धांत बोले क्या शील गुण आया क्या कोमलता आई क्या मृदुता आई क्या विनम्रता आई विद्या विनय संपन्न गीता में भगवान कह रहे हैं ये गीता वाली विद्या चाहिए हमें संसार वाली विद्या नहीं इसलिए उन्होंने कहा का मन का तो बहुत फेर लिया अर्थात जपने के लिए जप कर रहे हो लेकिन हमारी चेतना शुद्ध हो रही है कि नहीं चेतना मतलब मन के द्वारा प्रदर्शित होती है कि ये व्यक्ति की चेतना कैसी है बोले इसका मन में भजन कर रहा है कि नहीं मन में ध्यान किधर है तो कर का मन का फेर है और साथ में व्हाट्सएप लेकर के बैठे हैं कर का मन का फेर है साथ में यूट्यूब लेकर के बैठे हैं कर का मन का फेल रहे हैं साथ में अखबार पढ़ रहे हैं कर का मन का फेर रहे हैं साथ में टीवी देख रहे हैं कर का मन का फेर रहे हैं साथ में गप्पे मार रहे हैं किसी के साथ बैठ बैठ करके तो <laughs> so, हमारा मन कहां घूम रहा है मुद्दे की बात है कि नहीं उन्होंने उन लोगों के लिए कहा था और कोई व्यक्ति मन को खाली रोक ले और मन में भजन नहीं हो रहा है और कर का मन का फेरता रहे तो मन में भजन होने लग जाएगा अपने आप होने लग जाएगा इसलिए उन्होंने ये बात बताई थी तो उनका प्रभाव मार्केट में ब्राह्मण नहीं थे ब्रह्मचारी नहीं थे लेकिन गृहस्थी होते हुए भी एक प्रकार से उनका प्रभाव मार्केट में बहुत फैला हुआ था तो ब्राह्मण लोग चिढ़ते थे कि हमारा सम्मान हो नहीं रहा है तो ब्राह्मण लोग उनका उपहास उड़ाते थे गली गली और आज शंकर भगवान क्या कह रहे हैं बोले तुम्हें कबीरदास के पास जाना पड़ेगा उनसे निवेदन करना पड़ेगा अगर वो शास्त्रार्थ कर ले तो क्यों को शास्त्रार्थ करने के लिए भक्त लोग तैयार नहीं होते बहसबाजी के लिए टाइम ही नहीं है क्योंकि पहले से ही विनम्रे तो क्यों बहसबाजी करें क्यों अपना वर्चस्व दिखाने की चेष्टा करें तो सुबह सारे ब्राह्मण उठे और एक दूसरे को भैया मेरे को तो ऐसा सपना आया था तेरे को भी कुछ आया बोले मेरे को भी ऐसा ही आया मेरे को भी ऐसा ही आया मेरे को भी ऐसा ही आया सुबह उठते ही सब ब्राह्मणों का आपस में मीटिंग हुआ सबने कहा कि विश्वनाथ भगवान ने मेरे को ऐसा सपना दिया आखिर में सब लोग पहुंचे बोले अब कोई उपाय नहीं भाई नाक कटने से बचाना पड़ेगा तो पहुंच गए कबीर दास जी के पास उनके कुटिया में जा करके कहा दंडवत महाराज तो कबीर दास जी बोले ब्राह्मण लोग कभी आते तो थे नहीं आज आए हैं और आए ही नहीं ऊपर से दंडवत भी कर रहे हैं कुछ तो भी दाल में काला है तो उन्होंने भी दंडवत लौटा दिया प्रणाम ब्राह्मणों स्वागत है आप लोगों का बोलो आज हमारी कुटिया का कैसे आप लोग रास्ता भूल करके यहाँ पर आ गए क्या सेवा कर सकते हैं बोले महाराज आपको शास्त्रार्थ करना पद्मनाभ के साथ तो बोले मैं पढ़ा लिखा कुछ नहीं भैया मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा शास्त्रार्थ का साव मेरे को आता नहीं मेरे पास कोई ग्रंथ नहीं कोई पोथी नहीं कोई श्लोक नहीं कुछ नहीं मैं कैसे शास्त्र अरे महाराज ये सब हम नहीं जानते विश्वनाथ भगवान ने हम सबको सपना दिया है और आप आश्चर्य कर ही रहे होंगे कि हम आपके पास पहुंचे ऐसे नहीं पहुंच गए विश्वनाथ भगवान ने आपको आदेश दिया आप शंकर भगवान की भी बात नहीं सुनेंगे आप तो दास जी बोले ठीक है अगर शंकर जी ने ऐसा कहा है तो वो भक्त है ना आज्ञा पालन करना उन्होंने समझ रखा है ठीक तो है अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो फिर मेरे को करना पड़ेगा कोई बात कर लेंगे अब इधर ब्राह्मण लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम तो शास्त्रार्थ कर नहीं सकते भैया शंकर जी ने ये सपना दिया है और तुम कबीर दास जी के साथ शास्त्रार्थ कर क्या कह रहे हैं अरे पहले हमारी काशी में रहने वाले बुद्धू कबीर के साथ तो शास्त्रार्थ में जीत जाओ बाद में हमारा नंबर आएगा बाद में तुम हमारा सामना करना सामने अपनी कमजोरी को कैसे छुपा करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा बढ़ा दिया तो बात शिष्यों के माध्यम से पद्मनाभ तक पहुंची तो पद्मनाभ पूछता है भाई ये कबीरदास कैसा व्यक्ति जरा पता करो इसके बारे बारे में में तो जी के पता करके बोला महाराज बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं अंगठा छापा आदमी एक नंबर का बुद्धू है लेकिन चमत्कार है उसके मार्केट में चमत्कारों की चर्चा है ये जरूर सोचने वाली बात है बाकी <laughs> पढ़ने लिखने को लेकर के ना चेला है ना चंदा है ना उसके पास पोथी है ना किताब है कुछ नहीं उसके पास खाली ऐसे ही झाँज कूटता रहता है जगह जगह कीर्तन करता रहता है बाकी कोई योग्यता नहीं उसकी देखो कीर्तन करने की कैसी शक्ति है कि कीर्तन करने वाले के पास कुछ भी ना हो तो भी विद्या है ये संकीर्तन कैसे विद्या दे देता है तो आखिर में व्यवस्थाएं बना दी गई पहले बहुत ऊंचे ऊंचे आसन लगते थे दो आसन लगा दिए गए और जो दो आसन लगा दिए गए नीचे चेले बैठते थे चेलाओं के लिए बड़े बड़े तखत लगाए जाते थे जब हजारों चेला अलग अलग किताब लेकर के बैठते थे गुरु जी ऊपर से कोई प्रश्न को लेकर के कोई प्रमाण के रूप में किसी ग्रंथ से कोई श्लोक अगर पूछेंगे तो नीचे से चेला तुरंत उसको खोल करके उस समय गोगल गुग, थोड़ी होता था उस समय चेले लोग इतने एक्सपर्ट होते थे पूछते वो चेला उस शास्त्र का पेज खोल करके तुरंत वो श्लोक बोल करके दिखा देता था इसलिए हजारों हजारों श्लोक याद रहते थे तो दोनों ओर से ऐसे लगा दिया गया तो इसके तो हजारों शिष्य थे सब किताबें खोल करके बैठ गए ऊपर पद्मनाभ जी बैठ गए सिंहासन पर इधर ब्राह्मण लोग हैं चलो महाराज सिंहासन लग गए अभी आमने सामने के इनके तो चेले ही नहीं थे तो नीचे कौन बैठता नीचे कोई बैठने के लिए था ही नहीं जनता को ही बैठा दिया चारों तरफ से जनता लाखों लोगों की मैच चल रहा है ना एक प्रकार से देखने के लिए स्टेडियम में बैठ गए सब लोग अब कबीर दास जी के पास गए महाराज चलो आप कृपा करके हमारी लाज रख लो कबीर दास जी चले बोले अच्छा चलो बोले किताब फिताब ले लो एक आध कैसे आप बोलेंगे और बोले किताब नहीं ऐसे बोल देंगे जो मन में आएगा कोई बात नहीं चलो किताब कहा हम पढ़े लिखे तो है नहीं चल पड़े जा करके वो भी नीचे ही बैठ गए सिंगा बैठने के बजाय पद्मनाभ गोस्वामी देख रहे थे पद्मनाभ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ समझ गए हैं तो बोध ही आदमी एक पर इसको ये भी पता नहीं कि सिंहासन पे बैठना होता है नीचे ही बैठ गया है तो नीचे से ही बैठ करके बोले पूछ लो साहब जो पूछना आपको एकाथ प्रश्न तो पद्मनाभ जी बोले कि ऊपर आ जाइए सिंहासन पे बैठे बोले नहीं नहीं हम यहीं से बोल देंगे आप पूछो तो सही तो पद्मनाभ जी कहते हैं आप ही पूछ लो हम क्या पूछें वो समझ कि मैं इनसे क्या आदमी इसी को पूछने देते हैं तो पद्मनाभ कहते हैं आप ही पूछ लो बोले हम ही पूछ लो बोले हाँ आप ही पूछ लो तो पूछने के लिए उन्होंने प्रश्न कर दिया अच्छा ये बताइए आपने जो पढ़ाई लिखाई की है वो समझ के पढ़े हो या पढ़ के समझे हो ये प्रश्न है हमारा जी का दिमाग घूम गया चकरा गया अब क्या उत्तर दिया व्यक्ति तो एडमिशन लेने के लिए चला जाए पढ़ने लग गया बजाय कोर्स की किताबें पढ़ने की तो उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि उसे पढ़ना क्या है तो समझ के ही पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद ही समझ आती है ये बात भी सही है बिना पढ़े लिखे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कैसे समझ आएगी इसलिए समझ के ही पढ़ना चाहिए और पढ़ के ही समझ आती है तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे, सही उत्तर सटीक उत्तर क्या होना चाहिए लाखों लोग बैठे अनुमना और ये शास्त्रार्थ एक दो दिन नहीं कई कई महीने तक चलता था कई बार उसमें समय ले, ले लेता था व्यक्ति की भाई इसका उत्तर हम कल देंगे या पंद्रह दिन बाद देंगे ऐसे समझ लेते तो पद्मनाभ जी ने काफी सोचा और सबकी निगाहें एकदम टकटकी के रूप में पद्मनाभ जी के ऊपर लगी हुई लेकिन पद्मनाभ जी ने क्या उत्तर दिया अच्छा इसका उत्तर हम कल देंगे और सभा भंग हो गई सब आपस में घुसर फुसर करने लगी ओ पद्मनाभ जी वाह कबीर अब ब्राह्मणों का छाती चोरी हो गई बोले कबीरदास जी ने प्रश्न बहुत भारी कर दिया और पद्मनाभ जैसे विद्वान और कोई चेला और चेले सोच रहे कि इसमें गुरु जी को इतना इतना सोचने सोचने की क्या बात है <laughs> इतना सोचने वाला तो कोई प्रश्न ऐसा किया नहीं लेकिन पद्मनाभ जी बड़े चिंतित हो गए भगवत इच्छा से ऐसी लीला हुई कि पद्मनाभ जी टेंशन में आ गए और पद्मनाभ जी उत्तर नहीं दे पाए फिर रात को गंगा किनारे स्नान करने के लिए गए शाम के समय में सरस्वती के उपासक थे पद्मनाभ जी बड़े विद्वान थे <laughs> जब वापस आ रहे थे तो वापस आते समय रास्ते में एक पीपल का पेड़ था जैसे हमारे आश्रम के पास भी एक पीपल का पेड़ है देहरादून में तो वहां पर पीपल के पेड़ के पास वो नीचे बैठ गए शाम का समय था तो आवाज आने लगी उनको नकनक से पीपल के पेड़ पर बहुत प्रेत आदि बैठे रहते हैं

भूत तो बोले हम ब्रह्म राक्षस तो ब्रह्म राक्षस तुम लोग क्या कर रहे हो बोले हम तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई तू मेरी जगह पे क्यों बैठा हुआ है मेरी जगह तो ये व्यक्ति मेरी जगह से उठ के दूसरी जगह पे चला गया तो मैंने इसको बोला तू इस जगह पे भी क्यों बैठा है ये तो तेरी जगह है नहीं तो तेरी जगह पे क्यों नहीं जा करके बैठता है बोले लेकिन फिर वो दूसरी जगह बैठ गया तो किसकी जगह बोले तो मैं तो बोल रहा था ये पद्मनाभ की जगह है ये डाल तो पद्मनाभ की है तो पद्मनाभ की जगह पर कैसे बैठा है तो यहाँ से उठ जा मैं तो भैया तेरे बारे में नहीं बोल रहा था लड़ाई तो हम तेरे लिए लड़ रहे हैं। बोले मेरे लिए क्यों लड़ रहे हो मैं आके बैठूंगा क्या इस डाल पर बोले हाँ तो ही आकर के बैठने वाले हो बोले मैं क्यों आकर के बैठूंगा बोले तेरी तरह हम भी विद्वान ब्राह्मण थे और हमने भी बहुत दिग्विजय किए हैं हमने भी बहुत सारे ब्राह्मणों के प्रति अपराध किए देख विजय कर करके इसलिए अपराधों की दुनिया सब जगह है केवल वैष्णवों में ही अपराध नहीं होते ब्राह्मणों में भी अपराध होते हैं धाम में भी अपराध होते हैं सेवा में भी अपराध होते हैं सब जगह अपराध है और जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो अपराध करता ही करता बोले हमने बहुत सारे ब्राह्मणों का दिल दुखाया और तू जितने श्लोक नहीं याद होंगे देख भूत बन करके वो श्लोक याद श्लोक सुना रहे हैं उनको हम पिछले जन्म के बहुत बड़े विद्वान थे इसलिए भैया अपराध के कारण हम प्रेत बन गए भूत बन गए तू भी ब्रह्म राक्षस बनेगा इसलिए तेरी जगह हमने पहले से ही रखी हुई है बोले इसका उपचार बोले इसका उपचार कुछ नहीं है बस तू तो विनम्रता ले आओ अपने जीवन में शरणागति ले लो किसी वैष्णव की बोले वही है विद्या बाकी कुछ विद्या विद्या नहीं है तो घबरा गया पद्मनाभ ओ हजारों वर्षों तक मेरे को ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा पद्मनाभ जी चले रात बड़ी मुश्किल से गुजारी उन्होंने नक्की स्वर उनको सुनाई दे रहे थे भूत प्रेतों के रात पर रात गुजार करके सुबह हुई तो सुबह सिंहासन फिर से जमे हुए थे आज पद्मनाभ जी उत्तर देने वाले चारों तरफ भीड़ लग गई पद्मनाभ जी बैठे वहां जाकर के इधर दास जी से निवेदन किया गया महाराज आप चलो दास जी चल पड़े नीचे फिर से जा करके दास जी बैठ गए ऊपर तो आए नहीं सब टकटकी लगा करके बैठे अब पद्मनाभ जी उत्तर देंगे समझ के पढ़े या पढ़ के समझे कौन सा उत्तर आने वाला है देखते हैं शिष्य लोग हैरान है आज का समय लिया था गुरु जी अब कौन से ग्रंथ को खोल करके प्रमाण देंगे लेकिन उत्तर की जगह पे क्या हुआ गुरुजी आसन से चढ़े उतरे और उतर करके नीचे आने लग गए सब सोच रहे गुरुजी नीचे जाके उत्तर देंगे क्या लेकिन नीचे जा करके गुरुजी को अकल आई और गुरुजी ने जाकर के कबीरदास जी के चरण पकड़ लिए बोले महाराज ना तो मैं पढ़ के समझा और नहीं मैंने समझ के पढ़ा मुझे समझ होती कि भैया मैं भूत बनूंगा प्रेत बनूंगा आगे चल करके तो मैं शायद समझ के पढ़ा होता और मेरे जीवन में अहंकार पढ़ करके नहीं आया होता लेकिन ना तो मैंने समझ के पढ़ा था मैं तो दिग्विजय बनने के लिए पढ़ने चला था और ना ही मुझे पढ़ करके समझ आई मैं तो शास्त्रों को रट लिया और होता ऐसा हम लोग जब कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे तो वहां भी सूरदास जी के मीराबाई के कबीरदास जी के रस खान के बड़े सुंदर सुंदर पद थे बड़े सुंदर सुंदर उनके श्लोक थे लेकिन वो सारे पद हमने पढ़े क्या सोच करके पास होने के लिए उसमें से क्या सीखना है वो कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्योंकि पढ़ाने वाला व्यक्ति बीड़ी पी करके पढ़ाता था हमको <laughs> तो वो कबीरदास जी के पद उसको क्या समझ में आएंगे रसखान की लीलाएं क्या समझ में आएंगी ये सब श्लोक दोहे वगैरह कहां किसी को समझ में आने वाले थे रट तो लिए थे हमने लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया और ये हमारी दशा भी ऐसे ही होती भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं साहब भक्ति वैभव कोर्स कर रहे हैं साहब सार्वभौम कोर्स कर लिया अब तो ये लिटरेचर के ज्ञाता बन गए गीता पढ़ ली पढ़ ली पढ़ ली इन्होंने सिंधु पढ़ 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 भागवत अब तो ये चेतन को भी के सार्वभौम बन गए लेकिन वो दिग्विजय पद्मनाभ की तरह आने वाले समय में एक और चीज बनने वाले हैं क्या बनने वाले हैं प्रेत बनने वाले हैं भूत बनने वाले हैं इसलिए प्राय हम सभी इस पढ़ाई को भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं ना श्लोक नहीं याद हुआ ना तो जूम में आना ही बंद कर देते हैं श्लोक नहीं आता मेरे को पूछेंगे तो मेरी बेजती हो जाएगी हाँ तुम्हारा सम्मान लेकर के छाती पे रख के चले जाना तुम तो प्रेत बन करके और फिर तुम्हारी डाली फिक्स हो जाएगी वहां अरे सम्मान क्या हो गया अपमान क्या हो गया क्या सम्मान क्या अपमान चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मरमरा के चले जाएंगे लेकिन हम हाँ सब सम्मान के भूखे हैं हर व्यक्ति अपने पद के पीछे पागल है छोटा मोटा पद भी संसार में मिल जाता है उसी में अहंकार में आदमी चूर रहता है मैं सब पटवारी बन गया मैं सब पुलिस वाला बन गया पुलिस वाले की भी अपनी एंड होती है छोटा मोटा पुलिस वाला बन जाते हैं उससे भी बड़ी एंड में चलते हैं लेकिन जब उससे बड़ा अधिकारी आ जाता है भी बेचारे भीगी बिल्ली बन जाते हैं तो प्राय ये स्थिति देखने में आती है तो ये जो अहंकार है ये सबसे बड़ी बीमारी है इसलिए तो जो विद्या है ये विद्या हमारे जीवन में नहीं आ पाती ये विद्या तो वैष्णवों का आश्रय लेकर के आती और पद्मनाभ जी भक्त बन गए ये दृश्य को देख करके ब्राह्मण फिर भी भक्त नहीं बन पाए <laughs> उसको कहते हैं ऊंच कुत्ते की होती है ना पाइप में भी डाल दो तो भी थोड़े समय बाद निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती कई बार अपने अहंकार की तुष्टि जिसको करनी होती है ना वो कभी नहीं बदलता आखिर में महाप्रभु के समय में भी बहुत सारे अहंकारी विद्वान ब्राह्मण नहीं बदल पाए लेकिन जो विनम्र ब्राह्मण थे वो बदल गए इसलिए भक्त तो कोई भी हो सकता है लेकिन विनम्रता वाली विद्या अगर किसी के पास आ जाए अब देखो ना पद्मनाभ गोस्वामी ये भी अपने आप में ब्राह्मण थे लेकिन इन्होंने कबीरदास जी की कृपा से आखिर में ये बात समझ लिया और भगवान ने उनको ये लीला दिखा दिया प्रेतों वाली उनको एहसास हो गया हमें इस बात को सीखना होगा कि भाई हमारी कोई औकात नहीं है हम विनम्रता लाए शील गुण लाए कोमलता लाए मिठास लाए कर्कशता का त्याग करें और ये सब संकीर्तन से होगा इसलिए अधिक से अधिक संकीर्तन किया जाए कृष्ण संकीर्तन हम परम विजय तेज श्री कृष्ण संकीर्तन ऐसे संकीर्तन की परम विजय हो इसलिए पढ़ने लिखने से विनम्रता नहीं आती हमें जब करने से कीर्तन करने से जब हम किसी वैष्णव का आश्रय लेकर के इस भक्ति को करते हैं ग्रंथों को पढ़ते हैं कबीरदास जी जैसे संतों का प्रभुपा जी जैसे संतों का गुरु जी जैसे संतों का जब हम आश्रय लेकर के भक्ति करते हैं तो विनम्रता आ जाती वो हमें विनम्रता दे देते है अपने आचरण से विनम्रता दे देते तो भगवान ने तो विद्या देने में कोई कमी नहीं रखी और भगवान तो हमें इस गुलर से निकालने के लिए तत्पर है कि भाई तुम तो जानते नहीं कैसे इससे बाहर आना है मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ कि इस गुलर से बाहर कैसे आना है तुम ब्रह्मा भी बन जाओगे तो भी गोलर के अंदर ही हो इंद्र भी बन जाओगे तो भी गुलर के अंदर ही हो प्रधानमंत्री बन जाओगे तो बहुत ज्यादा अंदर हो उस संसार में कुछ भी बन जाओ इसलिए कुछ बनने से काम नहीं चलेगा केवल काम चलेगा और बात हरी कथा जब भक्तों के साथ में सब मिलजुल करके ऐसी चेष्टा करेंगे तो हम ऐसे बात ये था विद्या जीवनम तो हमें संकेतन को जीवन बनाना पड़ेगा केवल किताबें पढ़ने से मात्र काम नहीं चाहिए हरे कृष्णा ध्यान दें चार फल साधकों के लिए होते हैं और तीन फल सिद्धों के लिए हैं इन सात फलों में से तो जो सिद्ध हो चुके हैं उनको आगे के तीन फल प्राप्त हो जाएंगे और कोई साधक है उसको चार फल प्राप्त होंगे क्रमशः और अगर कोई साधक भी नहीं बन पाया मेरी तरह अगर अहंकारी बना हुआ है तो उसके लिए एक ही फल है वो पद्मनाभ जी की जगह पर पीपल के पेड़ पर किसी डाली पर उसको प्रेत रूपी फल प्राप्त होगा भूत रूपी फल प्राप्त होगा हमारे पास तीन ऑप्शन है प्रेत बनना अन्य चार फलों की प्राप्ति करके साधक बनना और चार फलों के सारे, सारे साथ सारे के सारे सात फलों की प्राप्ति करके सिद्ध बनना वर्तमान में धीरे धीरे ही मैं साधक बन कर के आगे बढ़ सकता हूँ और उत्तम मोहन प्रभु जैसे भक्तों का जो कि सिद्ध भक्त हैं ऐसे भक्तों का पद चिन्हों का पालन करते करते बाकी के फलों का भी आस्वादन कर सकते हैं तो कल हम आनंदम अम्बुदिवर्धनम की चर्चा करेंगे धन्यवाद सभी भक्तों का श्री चैतन्य शिक्षा की जय शिल प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय आनंद कोटि वैष्णव की जय आप सब भक्तों के हरे कृष्ण